निफ्टी कम से कम एक प्लेजेंट इंडिकेशन तो दे रहा है, आधे परसेंट ऊपर 9183 पर है, और अगर इन्हीं लेवल्स पर खुला तो संकेत अच्छे बनेंगे। 125 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स भी है। खैर, इसमें एक चीज़ ये भी है कि जो इंटरनेशनल क्यूज़ है ना, वो ठीक हैं मार्केट के लिए आज, खासकर यूएस मार्केट्स में भी हमने देखा रेजिलियंस थी, अच्छा रुझान देखने को मिला, और कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती की जो बात है, दैट कैन एक्चुअली फ्यूल अ रैली ऑन वॉल स्ट्रीट, तो ये अच्छा संकेत बनता है। ऐसे में सिद्धार्थ, क्या माना जाए, फिर से एक बार 9200 टॉप करके निफ्टी इसके ऊपर 9250 तक जाने की कोशिश कर सकता है? देखिए, हम मानते हैं कि यहाँ पे एक रेंज बाउंड ज़रूर रहना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा अगर यहाँ से आप जो रैली की बात कर रहे हैं 9300-9400 तक जा सकती है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव में मार्केट का थोड़ा फैटिगनेस ज़रूर दिख रहा है, तो कोई एक खबर तो ज़रूर दिखेगी जहाँ पे मार्केट थोड़ा बहुत अगर करेक्शन दे दे। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच सही रहेगा यहाँ पे, बिकॉज ऑफ कि रिजल्ट सीजन चल रहा है, और यहाँ पे हम मानते हैं कि जो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे उसको मार्केट ज़रूर थम्स अप देगा। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से अभी इंडेक्स पे दाव नहीं लगा के, ऑफकोर्स लार्ज कैप थोड़े ज़्यादा अट्रैक्टिव है मिड कैप से, क्योंकि मिड कैप में बहुत ज़्यादा रैली दिख गई है, बट स्टिल मैं चाहूँगा कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखें रादर देन इंडेक्स स्पेसिफिक। जी, लेकिन आज के सेशन में कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स रहेंगे जिन पर ध्यान देना है आज आने वाले अर्निंग्स पर, तो डेफिनेटली जो कि HDFC बैंक और ACC है, मैक्स फाइनेंशियल, जहां पर मार्केट ओपन होने के बाद ठीक एक बड़ी ब्लॉक डील होगी जिसमें गोल्डमैन सैक्स करीब 1.3 करोड़ शेयर्स ब्लॉक डील के जरिए बेचेगा, और जो फ्लोर प्राइस है वो करीब करीब 6.5-7% के डिस्काउंट पर है। इंडिया बुल वेंचर्स पर ध्यान रखें क्योंकि ये स्टॉक कॉन्स्टेंट पिछले 15 सेशन में चला है, 5% का अपर सर्किट कॉन्स्टेंट इसमें लगा है। आज कंपनी की बोर्ड बैठक है जिसमें प्रेफरेंशियल इशू के जरिए इक्विटी शेयर्स कंपनी जारी कर सकती है। शुगर स्पेस में नजर रखिए, कल हमने अच्छी बैंक देखी थी लेकिन कुछ फंड एक्शन हुआ है धामपुर शुगर में, इनफैक्ट कुछ बड़े नामों ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी है। डॉली खन्ना ने करीब 1.25% स्टेक लिया है धामपुर शुगर में, और एक ही गोयल ने भी जो स्टेक है यहाँ पर वो 6% से बढ़ाकर करीब 7.5% किया। तो ये कुछ स्पेसिफिक शेयर्स रहेंगे जो आज मोमेंटम दिखा सकते हैं, लेकिन ये शुगर स्टॉक्स पर आशीष, आपका व्यू क्या है अभी? देखिए, न्यूज़ बेस्ड डेफिनेटली एक्टिविटी विजिबल है। वैल्यूएशन वाइज मुझे लगता है कि थोड़ा यहाँ पे भी सब स्टॉक्स थोड़ा यू नो एक एक काइंड ऑफ थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में है इस समय। वी हैव बीन रिकमेंडिंग बलरामपुर चुनी फॉर लॉन्ग टाइम। उसका सिर्फ रीज़न ये नहीं है कि जिस तरह के न्यूज़ फ्लो आ रहे हैं वो तो खैर सेक्टर के लिए अच्छे हैं, बट जो 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 मिक्स है, जो कॉम्बिनेशन है, वो थोड़ा यू नो कम्फर्टिंग है। तो बलरामपुर चुनी में किसी भी गिरावट में लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करने की सलाह देता हूँ। बिल्कुल, चलिए इस बीच कुछ और स्टॉक्स सिमी आप रेकमेंड करना चाहेंगे? इंडिकेटिव टिक्स तो अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। जी बिल्कुल मीर, मैंने ऑलरेडी दीवान हाउसिंग और अरविंद मिल्स, ये दोनों स्टॉक मैंने रेकमेंड किया था। मैं और स्टॉक भी रेकमेंड करना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट में मोमेंटम है और आज हो सकता है कि मार्केट एक अच्छा शुरुआत दे दे क्योंकि ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट भी मिल रहा है। और 2-3 स्टॉक मेरे रडार में है जिसमें अदानी पोर्ट है, मुझे लगता है कि इसमें भी एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। 329 का स्टॉप लॉस के साथ इंट्राडे के लिए 338 तक का टारगेट मैंने देखा है, हो सकता है आ जाएगा। एशियन पेंट्स में भी अच्छा मोमेंटम आ सकता है क्योंकि कल एक रिकवरी देखा था निचले स्तर से। 1045 के नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा, 1078 से 82 का टारगेट भी आ सकता है। और मेरा तीसरा स्टॉक होगा कोलगेट, जिसमें मुझे लगता है कि एक अच्छा 1000 के ऊपर का क्लोजिंग कल देखा था, आज भी मेंटेन्ड हो सकता है। 1028 से 1032 तक का टारगेट कोलगेट में देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। जी, एक बार हिंदुस्तान जिंक को भी देख सकते हैं क्योंकि कल बाजार बंद होने से थोड़ा पहले इसके नंबर्स आए थे, जो प्रोजेक्शंस थी वो स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स थी और उससे कहीं बेटर नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए थे, और उसके बाद ये स्टॉक कल एक छोटा सा स्पर्ट लेकर बंद हुआ था। अभी इंडिकेटिव एक्शन में करीब 2% तक की बढ़त दिखा रहा है। लेकिन सिद्धार्थ, ये मेटल्स पर आप कर क्या रहे हैं? एक तो नालको था जो पिछले 2 दिनों से खबरों में था अपने OFS के जरिए, हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स स्ट्रॉन्ग आए हैं, लेकिन अभी भी थोड़ी सी स्ट्रीट डिवाइडेड है इन स्टॉक्स को लेकर कि खरीदने चाहिए, बने रहें इन स्टॉक्स में या फिर निकल आए बाहर। अभी आप अपने क्लाइंट्स को क्या सलाह दे रहे हैं मेटल शेयर्स पर और हिंदुस्तान जिंक स्पेशली पोस्ट अर्निंग्स, आपको कैसा लग रहा है?
देखिए पोस्ट अर्निंग्स बहुत अच्छा लग रहा है, हम मानते हैं कि हिंदुस्तान जिंक का जो अर्निंग्स आया है वो काफ़ी बेहतरीन आया है एक्सपेक्टेशन से भी। पर मेटल्स की पूरी बात करें तो हम मानते हैं कि नॉन फेरस स्पेस, जिसे हम एल्यूमिनियम स्पेस कहते हैं, हिंडालको नेल्को, ये स्पेस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए रादर देन स्टील, क्योंकि MIP स्टील में से चली गई है और नई MIP लागू की गई है एल्यूमिनियम स्पेस में। और ओवरऑल ग्लोबली अगर एल्कोआ का भी अगर प्रोजेक्शन देखें तो मानते हैं कि एल्यूमिनियम स्पेस में बहुत अच्छा रुझान हो सकता है आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से एल्यूमिनियम स्पेस पे ध्यान दें, जो यहाँ से बहुत अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकते हैं। कौन से स्पेसिफिक स्टॉक्स हो सकते हैं स्पेस के सिद्धार्थ? हिंडालको और नेशनल एल्यूमिनियम जी। तो हिंडालको और नाल्को ये 2 चॉइसेस हैं सिद्धार्थ के, जिन पर आप ध्यान दे सकते हैं। नाल्को हालांकि कल हमने देखा कि पॉजिटिव बासठ बंद हुआ था, लेकिन OFS को बहुत स्ट्रांग रिस्पांस मिला है रिटेल और नॉन रिटेल दोनों इन्वेस्टर्स की ओर से। एक ITDC पर भी नजर आ सकते हैं, जहां पर बज है कि जो नेक्स्ट डाइवेस्टमेंट कैंडिडेट है सरकार का, जहां पर बड़ा डाइवेस्टमेंट हो सकता है वो ITDC है। इंडिकेटिव एक्शन में 8% तक का ये स्पर्ट दिखा रहा है। आशीष, ये इस फाइनेंशियल ईयर के जो डाइवेस्टमेंट की शुरुआत है वो नाल्को के साथ हुई है, लेकिन और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इस लिस्ट में शामिल हैं। कोई स्पेसिफिक स्टॉक आप रेकमेंड करेंगे या फिर आपके रडार पर रहेगा PSU स्पेस से? दो वजह की रीजंस हैं इसके पीछे, एक तो ये कि PSU स्टॉक्स लगातार चल भी रहे हैं और दूसरा ये कि डाइवेस्टमेंट रडार पर भी है सरकार के। कोई स्टॉक स्पेसिफिक? देखिए डाइवेस्टमेंट पे थोड़ा इस समय कमेंट करना डिफिकल्ट है, क्योंकि यू नो मार्केट का क्या सिनेरियो रहता है, मार्केट के क्या सेंटिमेंट है उस समय इस पूरे दौर में, तो वो उस समय काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और यूजुअली वी हैव सीन दैट स्टॉक्स बिकम वेरी वोलेटाइल। वी हैव बीन डेफिनेटली लाइकिंग सम ऑफ द यू नो PSU नेम्स। मैं अगर मेंशन करना चाहूँ जो थीमेटिकली हमें अब यहाँ से कैपिटल गुड, इंजीनियरिंग, यू नो इंफ्रा, जो ये पूरा पैक है वहाँ पे हमें लगता है कि अब और स्टॉक डिस्कवरीज और अच्छा आगे रुझान रह सकता है। वी हैव बीन लाइकिंग EIL फॉर सम टाइम। हम हर डाउन साइड में उसको एक्यूमुलेट करने की सलाह देते हैं। तो आई थिंक ये जो कुछ स्टॉक्स हैं वहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है।